मॉम, आप लोग यहाँ पे क्या हो? आप लोग सोए नहीं? क्या हुआ? तूने कुछ बोला क्या? ऐसे गुस्से में क्यों देख रही है मुझे? क्योंकि तू दा करंट उतरा है। अरे मुझसे क्या पूछ रहे? तेरी भी तो मॉम है, जाके पूछ ले। ना बाबा ना, मॉम को इतना अपसेट पहले कभी नहीं देखा यार। मामला गड़बड़ है। ओए, तूने कुछ ना कुछ बोला होगा, पता मॉम को क्या बोला तूने? मैंने कुछ भी नहीं बोला है, मैंने कुछ नहीं किया। तू अपने आप पूछ ले। कुछ इसका मतलब भाई ने कुछ जरूर बोला मेरे खिलाफ। मॉम, इसने जो कुछ भी बोला ना, बिल्कुल 100% गलत बोला है। आप यकीन मत करना इसके बाद। अच्छा आप ही बता दो, इसने क्या बोला है? बताओ। हाँ, तुझे इतनी चोट लगी और तू होली पे शैतानी कर रहा था ना, ऋषभ ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुझे अपना जरा सा भी ख्याल नहीं, बिल्कुल ख्याल नहीं रख सकता। तुझे पता है, मुझे तेरी इतनी फिक्र होती है, इतनी चिंता होती है। और एक तू है जो बस अपनी मनमानी करते रहता है। अपनी माँ की तो कोई कदर ही नहीं है ना तुझे। तो तूने बरगलाया से इनको? हाँ, सब गलती मेरी। तू ऋषभ को क्यों डांट रहा है? एक बात बता, क्या मैं पराई हूँ? तेरी माँ नहीं हूँ क्या? तू अपना दर्द अपने माँ के साथ नहीं बांट सकता? पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। अरे सुनो तो सही जानवन, मैं क्या बोल रही थी, ये जो प्यार होता है ना दी, बड़ा सॉलिड फैंटास्टिक सा होता है, बट थोड़ा अजीब भी होता है। कब किसके दिल में जागेगा, कौन किसके पीछे भागेगा, कुछ भरोसा नहीं। आपको पता है जो मेरा दिल है ना, जो इधर है, जो ऐसे यहाँ पे अंदर ऐसे समझ गई धक धक धड़कते रहता है। मुझे पता ही नहीं कि किसके लिए धड़कता है। एक्चुअली मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। आपको तो पता है ना मैं करण सर से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन हमारे बीच में ना ये फैन और हीरो वाला रिश्ता अड़ जाता है। मुझे ऋषभ जी भी बड़े पसंद हैं, लेकिन ऋषभ जी का एक प्रॉब्लम है, बड़ी हाई लेवल की थिंकिंग है। मतलब उनकी बात समझने में मुझे एक साल लग जाएगा, और मेरी बात उनके समझ में आए ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन एक बात है जो सच है दी, वो दोनों ना आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई मीन आपको पसंद करते हैं, सीरियसली। व्हाट आर यू क्रेजी? तेरे दिमाग में लव शब्द के अलावा कोई बात आती है? चुप करके यहाँ बैठ, कपड़े निकाल के दे। सुनो, आज तक किसने जो सच नहीं सुना है वो सच सुनो। करण सर और ऋषभ जी मेरी प्यारी सी दी को बहुत पसंद करते हैं। सृष्टि, आर यू क्रेजी? पागल हो गई है? चुप हो जा। क्रेजी हूँ। अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट। सृष्टि, अब अगर तूने एक लफ्ज और बोला ना, खींच के थप्पड़ पड़ेगा मुंह पर, समझी? चुप बैठो यहाँ। क्या? अगर करण सर आपसे प्यार नहीं करते तो अपनी जान जोखिम में डालकर उस गुंडे से भिड़ते क्या? बोलो, जब वो गुंडा आपसे पापा की रिंग छीन रहा था और आप रो रहे थे, तो करण सर को इतना फर्क क्यों पड़ा? वो क्यों आया आपके लिए? हाँ, पता है मुझे क्या लगता है दी, करण सर ना आपके लिए, आपकी खुशी के लिए, आपकी फीलिंग्स के लिए बहुत केयर करते हैं। असल मायनों में शत प्रतिशत शुद्ध बिना मिलावट के हीरो हैं। टॉप क्लास। ओके फाइन, इनफ सृष्टि, अभी तुझे सोना है, ठीक है? इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी। ये सब बातें ना बाद में करें। अच्छा मेरी इतनी सी बात तो सुन लो दी, आप सृष्टि की दृष्टि से देखो तो सही, आपकी दुनिया ही पलट जाएगी। मुझे कोई नहीं पलटानी अपनी दुनिया, जैसी है वैसी। करण उठ जा। तूने मुझे आधी रात को डिस्टर्ब करने मत आएगा ऋषभ? आधी रात नहीं है, सुबह हो गई है। उठ जा, 4 बज गए, तेरा कोच नीचे वेट कर रहा है। कम ऑन, गेट अप, चल उठ। कम ऑन करण, कम ऑन, गेट अप। कितना झूठ बोलता है यार ये आदमी यार, 4 बजने पूरे 5 मिनट सोने दे यार।
तेरे को सुनाई नहीं दे रहा कि नहीं दे रहा? चल कम ऑन, गेट अप, गेट अप, कम ऑन, जल्दी से गेट अप। ऋषभ सोने दे यार तू। हेलो, आई एम सो वेरी सॉरी, एक्चुअली मेरा फोन साइलेंट पर था इसलिए मुझे आपकी आवाज नहीं आई। वेरी गुड मॉर्निंग, बोलिए ना। What? करण ने कहा आपसे ऐसा? इतना बुरा कहा करण ने आपसे? रीता जी, आई एम रियली सॉरी, मुझे मालूम ही नहीं था करण मेरे सामने, मैं अभी बात करता हूँ इससे। हाउ डेयर ही सेड समथिंग टू यू? ओए, अभी बात करता हूँ, झूठ बोलिए। हेलो रीता अरोड़ा, बहुत हो गया, आधी रात को ऋषभ को फोन करके मेरी बुराई कर रही हो? देखो इसे तुझसे क्या कहा, बता, इसकी क्लास लेता हूँ अभी। कोई होगा तो तू क्लास लेगा ना? ऋषभ, फिर तूने मुझसे झूठ बोला सुबह सुबह, वो भी करेली का नाम लेके यार। अदे यार तो और क्या करूं, अब तू मेरी बात नहीं सुन रहा तो क्या होगा? चल कम ऑन, गेट अप, गेट अप, कुछ नहीं, कम ऑन, गेट अप, उठ उठ उठ, जल्दी खड़ा, कम ऑन, गेट अप, गेट अप, गेट अप, गेट अप यार, कम ऑन, गेट अप, गेट अप। तू जल्दी से तैयार हो, फ्रेश हो, और मैं तेरे कपड़े निकालता हूँ। तू भी क्या याद करेगा कि भाई ने तेरे सारे नखरे उठाए थे? कम ऑन, गेट अप, गो क्विकली। दीदी, हाँ मिस्टर शर्मा, नहीं मैं सृष्टि ही बोल रही हूँ, वो थोड़ी सर्दी हो गई ना इसलिए थोड़ी आवाज। भैया कितना हुआ? 110 हुआ मैडम। क्या 110? भैया आपका ना मीटर कुछ ज्यादा ही तेज चल रहा है, मैं यहाँ रोज आती हूँ, मैं रोज का आना जाना है, कभी भी 100 रुपए से ऊपर लगे ही नहीं, 110 कैसे बना दिया आपने? एक गंदी मछली है पूरे तालाब को गंदा करती है, अब आपने अपने मीटर में चीटिंग की और उस वजह से सारे मुंबई वालों को लगता है कि मुंबई के सारे रिक्शे वालों के मीटर में चीटिंग हुई भी है। गलत बात है ना, हमारा गलत इम्प्रेशन पड़ता है, आप लोगों का गलत इम्प्रेशन पड़ता है, नहीं करना चाहिए आप। मैं यहाँ रोज आती हूँ, 100 रुपए से ऊपर कभी नहीं लगते, आज 110 रुपए कैसे लगे? गलत बात है ना, आपने कुछ कर रखा है, मान जाओ। देखो मैं तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं ऑटो वाले को कुछ समझा रही थी ना, ये फूल वूल क्यों फेंके तूने मुझ पर? ओ हेलो, मैंने नहीं किया, इन्होंने किया है। शिव जी, अरे प्रीता जी, आप शिव जी, आप आपने मुझ पर फूल फेंका है? मैंने सच्ची आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपको पता है मैं बहुत जरूरी कोई बात उस रिक्शे वाले को समझा रही थी, और ये किस तरह की बात है, इट्स सो सिली ऑफ यू, मुझे लगा था कि आप बहुत शरीफ इंसान है, इस तरह फूल फेंका आपने मुझ पर, really not that, अच्छी बात नहीं, I am upset with you. What is so silly of me? I mean, मैंने क्या, कब फेंका फूल? I didn't do anything. कुछ नहीं किया आपने ऋषभ जी? अरे आपने मुझ पर फूल फेंका ना, ये सृष्टि तूने ही तो बोला कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा ऋषभ जी, मैंने ऐसा कब कहा कि ऋषभ जी ने फूल फेंका है? तुमने बोला सृष्टि कि मैंने फूल मारा, तुमने मुझे कभी देखा किसी को फूल मारते हुए? और अगर मुझे फूल देना तो मैं प्रीता जी को हाथ में देखा था ना, मैं सब ऐसे कभी फेंक के भी फूल नहीं मारता। आई मीन व्हाट इज दिस, आई मीन पॉइंट ये है कि जो मैंने नहीं किया कि तुमने वो क्यों बोला कि मैंने किया? प्रीता जी आई एम सो सॉरी बट मैंने फूल नहीं मारा, आई मीन एक मिनट, मुझे जरा अकल लगानी चाहिए थी, इस तरह की हरकत आप नहीं कर सकते, ये तो I'm really sorry. कोई बात नहीं, आप ऐसा सोचने कहा क्या आपको, लेकिन आप ऐसा मत सोचिए जैसे आप सोच रही हैं। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।